This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। आज पीएम मोदी को पुराने वादे याद दिलाएंगे चंद्रबाबू नायडू, तिरुपति में करेंगे रैली। आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलने से नाराज मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी सोमवार से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के तारकाराम स्टेडियम में आज जनसभा करने वाले हैं। इस दौरान वो आंध्र के लोगों को बताएंगे कि पीएम मोदी ने उन्हें कैसे धोखा दिया। टीडीपी का कहना है कि तिरुपति रैली नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को उस रैली की याद दिलाएगा जिसमें मोदी ने आंध्र के लोगों से झूठे वादे किए थे। बता दें कि 30 अप्रैल 2014 को बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को न सिर्फ विशेष राज्य दर्जा देने की बात कही थी बल्कि इसका एक्सटेंशन 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक करने की पेशकश भी की थी। अब नायडू ने मोदी के खिलाफ बोलने के लिए वही तारीख, वही जगह और वही समय चुना है। 30 अप्रैल को उसी तारकाराम स्टेडियम में शाम 5 बजे चंद्रबाबू नायडू लोगों को बताएंगे कि मोदी कैसे मित्र से मित्र द्रोही बन गए। 30 अप्रैल की रैली में चंद्रबाबू नायडू टीडीपी कैडर को साफ निर्देश देंगे कि वो मित्र द्रोहियों को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएं। उन्होंने टीडीपी कैडर से कहा, आप हमें 25 लोकसभा सीटें दीजिए, फिर हम फैसला करेंगे कि देश का अगला पीएम कौन होगा। टीडीपी लीडर नायडू का मानना है कि मोदी ने पार्टी को मछधार में छोड़ दिया है क्योंकि वो वाईएसआर कांग्रेस से फायदा उनको मिलता दिख रहा था, इसलिए उन्होंने वाईएस जगमोहन रेड्डी से दोस्ती कर ली। वो जगमोहन जिनके खिलाफ सीबीआई अघोषित संपत्ति के दर्जनों मामले जांच कर रही है।